प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नगर निगम की नोटिस से बचने के लिए पटरी दुकानदारों ने एक नया फार्मूला अपनाया ताकि बाबा के बुलडोजर के कहर से बचा जा सके। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायबरेली की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जहां पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर बुलडोजर चल रहा है, वहीं आज सोनिया गांधी के सांसदीय क्षेत्र रायबरेली में पटरी दुकानदारों ने अपनी नाले पर किए गए अतिक्रमण को बचाने के लिए, साथ ही नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग से मिली नोटिस से बचने के लिए यह एक नया फार्मूला अपनाया गया है। मामला गौरा बाजार में परसदेपुर रोड पर लोक निर्माण विभाग की बाउंड्री वाल के सहारे कुछ लोगों ने अवैध अपनी दुकानें बना ली हैं। इन सभी दुकानों को हटाने की नोटिस नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान में शामिल करने के लिए कहा गया है। रायबरेली के डी परसदेपुर मार्ग पर पीडब्ल्यू की बाउंड्री वाल गोरा बाजार कॉलोनी में स्थित जो दुकानें हैं उनको हटाने के लिए जिला प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस देने के लिए दुकानदारों को नोटिस थमा दी है। इस नोटिस से बचने के लिए अपनी अपनी दुकानें भगवामय कर रहे हैं, जिससे उनकी दुकान न हटाई जा सके और उनको बुलडोजर से बचाया जा सके। वहीं बात की जाए अतिक्रमण हटाओ अभियान की, तो अब तक के जिले में 10 बीघे से ज्यादा कब्जों को हटाया जा चुका है। अब जो लोग रोड पर अतिक्रमण कर रहे हैं उनको भी हटाने का प्रयास चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, लखनऊ। क्या नाम है आपका? जीतू भाई। जीतू जी, आज दुकानें गोरा बाजार की सभी भगवा में हो गई हैं, क्यों ऐसा क्या हुआ कि अचानक भगवा में दुकानें सब हो गई हैं? सुनने का आदेश है कि आप लोग साफ सुथरा रखिए, आवागमन सुगम रखिए और व्यवस्थित रखिए अपनी सामान, सब एक साथ सुथरा रहना चाहिए, रंग रोगन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपका आदेश आया कि आप भगवा रंग लीजिए। अच्छा, आप लोगों ने क्यों ही भगवा रंग चुना? हमको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं बाबा जी का डर हो कि दुकानें हटाई जा रही हैं अतिक्रमण? बाबा जी कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है ना। कि लगभग कितनी दुकानें भगवा में हैं? अब आप देख लीजिए, इधर कुछ तो अलग कलर हैं, कुछ भगवा में। अनिल जी, क्यों दुकानें गोरा बाजार की भगवा में कर दी गई हैं? सर, कल सबका मन था, बजरंग बली का दिन था, तो पता नहीं क्या मन में आया कि हम लोग बजरंग बली के टीके के कलर का करवा दें। अच्छा, विगत कितने वर्षों से दुकानें हैं यहाँ पे? ये सर हम लोग करीब 25 साल से हैं। 25 साल से हो गई हैं दुकानें आपकी। नाला इस पार है कि नाला के उस पार हैं? नाला के इस पार हैं सर, हम लोग नाला की सफाई अपने हाथ से करते हैं। नाले की सफाई करने के लिए नाला छोड़ रखे हैं कि नाला की सफाई विधिवत हर दूसरे तीसरे महीने हम लोग खुद कर देते हैं। आप लोग स्वयं करते हैं? स्वयं कर डालते हैं। और नगर पालिका? वो भी अब जहाँ जहाँ उनसे हो पाता है जेसीबी से वो लोग कर देते हैं। अच्छा, ये ईंट किस लिए लगा दिए? ये दायरा है सबका और खरंजा भी लगने वाला है इसलिए। हाँ। अच्छा, ये भगवा में दुकानें हुई हैं, ऐसा नहीं बाबा जी का डर हो आप लोग के? नहीं, डर उनकी दया बनी रहे बस, और कुछ नहीं। सर कोई नहीं, सर सब अपने मन से कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी लगे थोड़ी दुकानें इसलिए हम लोग रखवा दे रहे हैं। नोटिस मिली है आप लोगों को? नोटिस मिली थी सर दुकान हटाने के लिए। हाँ, मिली थी। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि गोरा बाजार की दुकानें भगवा में अचानक हो गई सब रात ही रात? नहीं नहीं, ये सुंदरीकरण के लिए केवल किया गया सर, केवल सुंदरीकरण की, सुंदर सुंदर लगे सब चारों तरफ, चौराहा अपना हमारा अच्छा लगे। लगभग कितनी दुकानें भगवा में हुई हैं? दुकानें तो सर अब सब खत्म, मतलब हो गए थे सभी, अब तो दूसरे कलर से पला रहे हैं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।